हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग? कम बैक टू माय चैनल क्रेजी बॉय। तो मेरा नाम इसमें सर, आप देख रहे हैं मैं खुद का चैनल क्रेजी बॉय। तो आप बोल रहे होंगे कि ये दशहरा वाले ब्लॉग में कपड़े क्यों पहने स्कूल के? तो मैंने, क्योंकि कल इंट्रो नहीं करा था, ये नेक्स्ट डे है थर्सडे, तो मैंने इंट्रो नहीं करा था, तो मैंने सोचा यही वाला इंट्रो अभी करके डाल लूँ। तो इसके पीछे जो इसके आगे आने वाली है वीडियो, वो कल की है सारी। तो जाओ आगे जा करके देखो, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। इस चक्कर में पूरी मार्केट में भीड़ हो रही थी, पूरी गाड़ियां गूड़ियां जाम लगा हुआ। झंडे जी लगे हुए गुरुद्वारे में, पे बम वगैरह में होलसेल की दुकान भी है। जब दिवाली होती है तो बम में कम रेट में लगता है। ये पॉप पॉप के बम रखे हुए पेटियों में। ये लगी हुई पूरी होलसेल में, इधर भी मिलता है। रावण परेड ग्राउंड में इधर से नहीं दिखेंगे। ये रे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण शाम को गई का दहन। आ चुके हैं गाड़ी को उधर पे खड़ी करके। तो यहाँ पर पूरी भी अभी भीड़ हो रही थी, इधर पे अभी शाम के वक्त बारात भी आएगी। अभी उनको जूते पहनाए जा रहे हैं, अभी इनके नीचे सलवार और जूते नहीं करे थे, वो अब कर रहे काम कंप्लीट। तो अभी इधर पे बम लगा रहे हैं कुंभकर्ण के अंदर, देखो सुतली बम इतने बड़े। और कुंभकर्ण के अभी पांव लगने हैं, रावण के लग चुके हैं, और अब बम बूम लगा रहे हैं हर साइड। तो उसमें हनुमान जी लोग भी आएंगे, तो वो पहले ये जलाएंगे लंका सोने की, उसके बाद रावण वगैरह चलेंगे। रावण लास्ट में चलेगा, पहले कुंभकर्ण मेघनाथ चलेंगे, और वो चरखी है उसमें घूमने वाले बम लगे हैं। वो देखो अभी लगा रहे हैं। इधर से आ रहे तीनों फ्रेम में, ये देखो इधर पे मिल रही है, और धनुष वगैरह भी है इनके पास, धनुष है, तीर है, मुकुट है, तलवार। ये 50 रुपये की तलवार है एक, और ये भोंपू भी है। तो अभी पूरा मार्केट छप हो रखा है इन्हीं चीज़ों से, खिलौनों वगैरह से, पीछे तक पूरा। ये रावण के मुकुट, हनुमान जी के मुकुट, और माता के, शेर के, राक्षसों के। Thank you.
कर दो 50 रुपये साल का आपके चार्ज। ये सामान इससे लिया हमने, ये इन भाई से लिया है सामान। एक हमने लिया है ये बैंड, एक भोंपू और एक तलवार ली है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम राजवीर। राजवीर नाम है इनका। पढ़ाई भी ये साथ साथ करते हैं। ये सब पैसे दे दो भाई को। ये इनके 100 रुपीस हो गए पूरे। धन्यवाद भाई। अब ये सारा सामान रखते हैं। पहले तो सर डिग्गी में नहीं आ पाएगी तलवार, तो अभी अकॉर्ड ले चुके हैं हम। ट्रक जैसी आवाज इसकी बिल्कुल। तो वो उनसे लिया है जिन्होंने कैप पहना हुआ है। तो क्या अभी चलते हैं घर के लिए, क्योंकि पूजा के लिए भी हम लेट हो चुके हैं। पूजा 11-12 बजे की कह रही थी मम्मी, तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं। अभी इतनी भी लेट नहीं हुई है, तो अब चलते हैं घर। गुब्बारे भी है इधर पे हथौड़े जैसे। घर पे आज पूरे खिलौने वगैरह मिल रहे हैं पूरा दूर तक। कोई दिखा दिया है कि रावण में कौन से अंदर बम लगते हैं, कैसे लगते हैं। टेप टूप से नहीं लगाते, वो पूरे रस्ते से लपेट के पूरे साइडों में जाके एक भी ना बचे, उसका फूट जा पूरा हटे, इसलिए सब कुछ लगाते हैं। और चरखी वाले बम भी लगाते हैं जिससे अगर कुछ आग वगैरह पड़े तो वो भी जले। और इसमें डायनामाइट वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, यही सुतली बम ही लगाते हैं और मुर्गा छाप की लड़ी वगैरह। लेकिन जब ये जलता है तो लोग बहुत तेज भागते हैं, कहीं गिर ना जाए इस वजह से। मतलब गिरता तो है, उनके ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि उसका भरोसा नहीं रहता कि किधर की साइड गिरने वाला है। अभी रेड लाइट हो रखी है, पे भरवाना है अब तेल। तो अभी फिलहाल मैं उतर जाता हूँ, हमें जाके खड़ा होना है आगे। रावण बनाने का काम इधर पे स्टार्ट हो चुका है, बन तो चुका है। अब फूल वगैरह लगाए हैं गोबर के ऊपर। यार ये गन्ना खड़ा कर दिया है, अब पूजा करनी है।
आने की तैयारी हो गई है और साइड में खड़ा कैमरा सुन, बोलेगा कुछ नहीं, बस देखेगा कैमरे में, पुरानी आदत। और ये लकी है, ये मेरी फोटो नहीं दिख रही यार। अरे यार वो लाइट की प्रॉब्लम हो रही ना, अब दिखेगी। तेरे पापा आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने परेड ग्राउंड का भी आपको रावण जलते हुए दिखा दिया है, बस लंका नहीं दिखा पाया बिकॉज वो पहले फट चुकी थी। और अपनी कॉलोनी में जुआ है जो कि मैंने नहीं बनवाया इस बार न क्रिश ने, बिकॉज भाई सुबह से मैं बिजी हूँ। बिजी क्या मतलब, सुबह उठा मतलब खाना खूना खाया, फिर सीधा बाजार चली गया, खाना खूना भी एकदम एक मिनट ही खाया था मैंने, मतलब तुरंत ही प्लान बन गया था। फिर तुरंत जाना पड़ा मेरे को मार्केट, वहाँ से सामान लिया, परेड ग्राउंड गया, वहाँ से आपको दिखाई कि कैसे बनता है रावण वो अलग, फिर चीज़ें दिखाई मैंने, मार्केट कितना ज़्यादा बड़ा लगा हुआ था। तब की नहीं है वो, जब बारात आने वाली थी और सुबह सुबह किया बिल्कुल, मतलब 10 बजे की, 10 AM की। उसके बाद फिर हम घर आए, फिर पूजा कराई, पूजा का थोड़ा सा दिखाया मैंने क्योंकि क्या बोल यार इतना भाई ध्यान नहीं रहता है। फिर मैंने उत्तर दिखाया रावण कैसे बनाया हमने घर में पूजा में। उसके बाद हम चले गए थे जौ वगैरह रखवाने, वो भी नहीं दिखाया मैंने, नानी घर में भी रखवाए। उसके बाद शाम के 7 से 5:30 बजे के लगभग उधर पे आई होगी बारात, तो फिर हम गए उधर पे, देखा तो रावण तब मेघनाथ वगैरह चल रहे थे लेकिन रावण नहीं चले थे। इसकी वीडियो आपको आपने देख लिया। फिर आए घर, फिर इधर पे जला, तो आज पूरा दिन ही ऐसे निकल गया। और आप बज रहे हैं 8, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैंने आपको सब्सक्राइब इस बात के लिए करना, मैंने ये दिखाया है जिनके अंदर डाउट था कि रावण के अंदर कौन सा बॉम्ब लगता है, मतलब जो जलाते हैं परेड ग्राउंड में उसके अंदर कौन सा बॉम्ब लगाया जाता है, तो वो होता है सुतली बॉम्ब VIP वाला। वो बहुत बड़े होते हैं, मतलब इतने से होते हैं सुतली बम ऐसे तो, लेकिन वो इतने बड़े वाले थे जो कि VIP उसमें आते हैं। हाँ तो VIP सुतली बम लगाते हैं। तो फिर मैंने दिखा दिए, मतलब जूते वगैरह उनके अभी लगाए नहीं थे। तो चलो गाइस आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये मैसेज आ रहे हैं, इसी पे ध्यान मत दे रहे हैं, मेरे थोड़ी वीडियो भी ले रहा हूँ अच्छे कैमरे से जो ली थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं कब आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले गुड बाय।